नमस्कार, स्वागत है आपका स्वरमय टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ खुशी। भाजपा 12 सितंबर से दो चरणों में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। पहले चरण में यात्रा शुभारंभ 12 सितंबर को छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे चरण में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 सितंबर को जशपुर से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं भाजपा के इस परिवर्तन यात्रा को कांग्रेस ने फ्लॉप बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 सितंबर को अमित शाह की मौजूदगी में माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद देकर परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। यात्रा के इस पहले चरण में 16 दिनों में 21 विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट किया जाएगा। इसके तहत 1728 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान कई जगहों पर सभा और आम सभा सहित बड़ी सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्र के बड़े नेता सहित प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता मौजूद रहेंगे। वहीं यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 16 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथों जशपुर से माता पूर्या रानी की पूजा अर्चना कर की जाएगी। इस तहत से दोनों चरणों में विधानसभा की कुल क्षेत्रों को टारगेट किया जाएगा। परिवर्तन यात्रा का समापन बिलासपुर में किया जाएगा। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। निर्णय किया है, पहली यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी। 12 सितंबर को मां दंतेश्वरी के पावन धाम में, वहां से आशीर्वाद लेकर और एक बड़ी सभा करके वो यात्रा प्रारंभ होगी और यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी दंतेवाड़ा आएंगे 12 सितंबर को। यह यात्रा 16 दिन तक चलेगी। वहीं भाजपा के परिवर्तन यात्रा को कांग्रेस ने ठकोसला करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा आखिर किस मुद्दे को लेकर परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में गरीब, किसान और आदिवासियों से लेकर सभी वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाया है। भाजपा को अगर परिवर्तन यात्रा निकालना है तो वो अपने ही केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ निकाले, जिन्होंने किसानों और बेरोजगारों से कई वादे करके वादा खिलाफी करने का काम किया है। किसानों को उनके धान की पूरी कीमत मिल रही है, 2640 रुपए, इस बात में परिवर्तन चाहती है या छत्तीसगढ़ का किसान आज कर्ज मुक्त हो गया, इस बात में परिवर्तन चाहती है? छत्तीसगढ़ का नौजवान भरपूर रोजगार प्राप्त कर रहा है, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.5% से कम है, इस बात में परिवर्तन चाहती है? या छत्तीसगढ़ का आदिवासी अपने तेंदुपत्ता का 4000 रुपये कीमत प्राप्त है, इसमें भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन चाहती है? या छत्तीसगढ़ का वनोपज संग्रहक 64 से अधिक वनोपज बेच रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन चाहती है? ऐसी खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़ रही स्वरमय टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।